करना है खास तो चलो हमारे साथ, करना है खास तो चलो हमारे साथ, सिविल की बात गुरु जी के साथ। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि जो कंस्ट्रक्शन वर्क्स में जो ब्रिक्स यूज होते हैं उनकी क्या स्पेसिफिकेशंस होती है, उनकी क्या बॉन्डिंग होती है, कौन से सीक्वेंस में कैसे उनको रखा जाता है हमारी, इसको हम लोग दीवार चुनाई भी बोलते हैं नॉर्मल वर्ड्स में, हम लोग जो साइट में यूज़ करते हैं। तो आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ जो फ्लाई ऐश ब्रिक रखा हुआ है, इनकी जो स्टैंडर्ड साइज हम लोग एक साइज मान के चलते हैं कि इनकी साइजेस 10x4x4 inches होंगी। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि जो फ्लाई ऐश ब्रिक यूज हो रहा है, तो हम लोग ने दो टाइप के ब्रिक्स देखे हैं, एक रेड ब्रिक्स होती है हमारी और एक फ्लाई ऐश ब्रिक्स। तो जो रेड ब्रिक्स होती हैं वो एक्चुअली ज़्यादा कॉस्टलियर रहती हैं हमारे फ्लाई ऐश ब्रिक्स से। उसके साथ साथ में आप लोगों ने ये सुना होगा कि जो भी कंस्ट्रक्शन वर्क्स होते हैं गवर्नमेंट के, उसमें हम लोग फ्लाई ऐश ब्रिक्स का यूज़ करते हैं। तो क्यों करते हैं, आप लोगों ने कुछ कुछ रीजंस सुने होंगे फ्लाई ऐश ब्रिक्स यूज करने के, कि ड्यूरेबिलिटी ज्यादा है, उसका कॉस्ट है, पर जो मेन फैक्टर जो डिपेंड करता है इस पे, क्योंकि ये फ्लाई ऐश ब्रिक रहता है वो एनवायरनमेंट के लिए अच्छा है। क्यों? क्योंकि जो रेड ब्रिक्स है वो हमारी ओपन भट्टी में बनती है, तो उसके कारण जो एनवायरनमेंट इफेक्ट कर रहा है ड्यू टू स्मोक, तो उसके रीजन से यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है, वेस्ट मटेरियल्स भी यूज़ कर पा रहे हैं हम। इसीलिए जनरली जो भी गवर्नमेंट के कंस्ट्रक्शन वर्क्स होते हैं उसमें आप देखेंगे कि फ्लाई ऐश ब्रिक्स का ही ज़्यादातर यूज़ हुआ है। अब इसमें जो है बहुत सारी बॉन्डिंग्स होती हैं, तो सबसे पहले मैं एक फ्लाई ऐश ब्रिक आपको दिखाता हूँ। आप यहाँ ऊपर देख पा रहे हैं कि ये जो पोर्शन है वो ओपन है, तो इसके भी बहुत सारे रीजंस हैं। सबसे पहले इसको तो ऑन टेक्निकल टर्म्स इसको फ्रॉग बोला जाता है, जिसके आपकी डेप्थ 10 mm से 12 mm की रहती है। उसके साथ साथ में इसको इसीलिए प्रोवाइड करा जाता है क्योंकि ये की जॉइंट प्रोवाइड करता है दो ब्रिक्स के बॉन्डिंग के लिए। उसके साथ साथ में आप देख पा रहे हैं कि ये जो फेस है, इस फेस को हम लोग स्ट्रेचर बोलते हैं और इस फेस को हम लोग हेडर बोलते हैं। तो इन्हीं के डिफरेंट डिफरेंट सीक्वेंसेस में जब इनको अरेंज किया जाता है तो इनमें दूसरे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के बॉन्डिंग्स होती हैं। तो सबसे पहला होता है एक हेडर बॉन्ड। हेडर बॉन्ड में मतलब कि हम लोग जब ब्रिक्स को उसके हेडर के अकॉर्डिंगली, मतलब इस फेस के अकॉर्डिंगली उसको सीक्वेंसली हम लोग जमाते जाएं और इसमें मोर्टार के साथ इसको बॉन्ड कर दें, तो इसको बोलते हैं हम लोग हेडर बॉन्ड। और जब ब्रिक्स को स्ट्रेचर के थ्रू उसको फिक्स किया जाता है तो हम लोग उसको स्ट्रेचर बॉन्ड बोलते हैं। वहीं एक और बॉन्ड होता है जिसको हम लोग क्लिश बॉन्ड बोलते हैं। क्लिश बॉन्ड में ये होता है दोस्तों कि एक जो लेयर रहेगी आपकी स्ट्रेचर की रहेगी और दूसरी लेयर जो रहेगी वो हेडर की रहेगी। तो इस तरह का सीक्वेंस जब रहेगा तब उसको हम लोग बोलते हैं इंग्लिश बॉन्ड। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं साइट में कि यहाँ जो हमारे जो मेसन है उसने यहाँ पे फ्लेमिश बॉन्ड यूज किया है। हम लोगों ने ये वर्ड्स बहुत सुने होंगे कॉलेजेस में कि ये बॉन्ड्स होते हैं, वो बॉन्ड्स होते हैं, पर यहाँ पे जो है इसको हम कैसे पहचानेंगे? सबसे पहली बात, यहाँ जो स्ट्रेचर और हेडर का कॉम्बिनेशन और उसका सीक्वेंस जो लगा हुआ है, मतलब कि एक स्ट्रेचर है फिर एक हेडर, फिर एक स्ट्रेचर और एक हेडर, तो इस तरह के सीक्वेंस को हम लोग बोलते हैं फ्लेमिश बॉन्ड दोस्तों ब्रिक्स के केस में। तो हम लोग ऑन साइट इसमें कुछ टेस्ट्स होते हैं जो हम लोग ब्रिक्स में हम लोग जनरली यूज करते हैं। तो सबसे पहले जो हम लोग नॉर्मल साइट में कंडक्ट करा सकते हैं उसके लिए हमको सिर्फ एक बकेट में पानी चाहिए दोस्तों, बस टेस्टिंग के लिए। मतलब कि हम उसका ड्राई वेट और सैचुरेटेड वेट निकालते हैं, मतलब हम एक ब्रिक लेंगे उसमें उसका वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट करेंगे, मतलब कि उसका जो वेट होगा वो जब पानी एब्जॉर्ब कर लेगा तो उसके ड्राई वेट से 10% ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 10% से ज़्यादा। पर अगर मैं उसका सैचुरेटेड वेट देखूँ तो सैचुरेटेड के केस में उसका जो वेट है वो 15% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये कुछ टेस्टिंग्स हैं जो हम लोग ऑन साइट कर सकते हैं। उसके साथ साथ में ही हम लोग ने सुना होगा कि हम लोग जब भी ब्रिक्स की टेस्टिंग करते हैं तो इसमें साउंडनेस टेस्ट करते हैं। मतलब कि अगर मैं दो ब्रिक्स को, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, अगर मैं दो ब्रिक्स को अगर ऐसे टकराऊंगा तो मेरे पास एक रिंगिंग साउंड आना चाहिए, मतलब कि उसकी साउंडनेस जो प्रॉपर्टी है, मतलब उसमें जो वॉइड्स हैं, उसमें जो क्रैक्स हैं वो कम है, इसलिए वो अच्छा साउंड कर रहा है। उसके साथ साथ में इसका टफनेस टेस्ट करते हैं हम लोग, मतलब कि ब्रिक को अगर मैं 1 meter की हाइट से ड्रॉप करता हूं तो वो टूटना नहीं चाहिए, मतलब कि
अगर मैं 1 मीटर हाइट से अगर मैं इसको ड्रॉप करता हूँ और ये अगर नहीं टूट रहा है, मतलब कि हमारा जो ब्रिक्स यूज हो रहे हैं कंस्ट्रक्शन में उसकी क्वालिटी अच्छी है, उसके साथ साथ में हम लोग इसका इम्पैक्ट टेस्ट भी करते हैं जिसमें हम लोग स्क्रैचिंग देखते हैं, इसके साइजेस देखते हैं, इसके जो एजेस हैं वो प्रॉपर शेप में है कि नहीं, उसके साथ इसके जो साइज है वो स्टैंडर्ड है कि नहीं, तो ये सब कुछ टेस्ट हैं जो हम लोग चेक करते हैं। ये तो बात हो गई दोस्तों फ्लाई ऐश ब्रिक की। अगर मैं रेड ब्रिक्स की बात करूं तो हम लोग रेड ब्रिक्स को जनरली 3 क्लास में डिफाइन करें हैं, फर्स्ट क्लास ब्रिक, सेकंड क्लास ब्रिक और थर्ड क्लास ब्रिक। तो इसका टेस्टिंग भी सिमिलरली जैसा हम लोग नॉर्मल ब्रिक्स के लिए करते हैं वैसे ही करेंगे। इसमें जो हम लोग को स्पेसिफिकेशंस देखने हैं उसके साइज का, उसके शेप का, सेम हम लोग वैसे ही देखेंगे। आप फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास ब्रिक्स को कैसे पहचानेंगे साइट में वो हम लोग देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के बने रहिएगा सिविल गुरुजी के साथ। और भी जानकारी के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारे सिविल गुरुजी वेबसाइट पे। तो बने रहिएगा दोस्तों सिविल गुरुजी के साथ।